हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना सुंदर कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। लेडीज स्वेटर, जैकेट, बच्चों का स्वेटर, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे डाल सकते हैं। हर प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। ये फ्रंट साइड से हमें ऐसे नज़र आ रहा है और बैक साइड से, ये देखिए बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इसे आप किसी भी कलर में बना लें, लाइट कलर में, डार्क कलर में, किसी भी कलर में बना लेंगे। हर कलर में ये डिज़ाइन सुंदर लगेगा। ये स्ट्रेचेबल जैसा बनता है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल जैसा बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये डिज़ाइन। इसको बनाने के लिए जो हमने फंदे लेने हैं, आपने 6 के मल्टीपल से फंदे, ये देखिए 6 के मल्टीपल से फंदे डालते जाना है। यहाँ से यहाँ तक 6 6 6 ऐसे 6 करके फंदे डालते जाना है। लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा डालना है, 2 फंदे स्टिच के लिए डालने हैं। तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। ये पूरे स्वेटर पर बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने बाजू पे बनाया है, ये देखिए बॉर्डर बनाया हुआ है बाजू पे। और ये पूरा डिज़ाइन, जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे, ये देखिए जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे ये डिज़ाइन साथ में ऐड होता जाता है। ये देखिए फंदे पूरे होते जाएंगे, डिज़ाइन साथ में ऐड होता जाएगा पूरी बाजू पे। ये देखिए पूरी बाजू पे मैंने ये डिज़ाइन चलाया हुआ है। यहाँ से दूसरी फली बनानी शुरू कर दी, फिर आगे फंदे बढ़ाए तो यहाँ से शुरू कर दी। ऐसे जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे ये डिज़ाइन पूरे स्वेटर पे आता जाएगा। पूरे बाजू पे बनाया हुआ है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने सेंटर में बनाया, साइड में सीधा सीधा बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे साथ साथ में ये डिज़ाइन ऐड होता जाएगा और पूरे बाजू पे बनेगा। ये बाजू है मेरी, बाजू बना रही हूँ इसका। आप भी इसे ज़रूर बनाना, बहुत सुंदर लगने वाला डिज़ाइन है। मैं पूरा बोल के रिपीट करूँगी फ्रेंड्स, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जब भी कोई डिज़ाइन बताती हूँ मैं पूरा साथ में बोल बोल के रिपीट करती हूँ, ताकि जब भी आप उस डिज़ाइन को फिर बनाने लगे, बनाते समय आपको परेशानी ना आए, आप बिल्कुल आसानी से उस डिज़ाइन को बनाएं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बेल आइकन फ्रेंड्स जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जब आप बाजू बनाएंगे, बाजू का बॉर्डर फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा बनाया करें। जो हम पेज बनाते हैं साइड के, उसका बॉर्डर चाहे आप छोटा बना लें, पर जब आप बाजू बनाते हैं उसका थोड़ा सा बड़ा बनाया करें, ताकि यहाँ पर फिर ग्रिप बनी रहती है, पकड़ बनी रहती है बाजू पे। इसलिए आप थोड़ा सा बाजू का बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा बनाया करें। फ्रंट और बैक पार्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा। तो चलो इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। आप भी पहले 6 के मल्टीपल से फंदे डाल लें, एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लें। ये देखिए एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा डाला, 2 फंदे मैंने स्टिच के लिए डाले हैं, 18 फंदे डिज़ाइन के लिए, एक फंदा एक्स्ट्रा 19, 2 फंदे स्टिच के लिए 21 फंदे डाली हैं डिज़ाइन की। फर्स्ट रो से हम बनाना इसे शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हम बुन के सीधा निकाल लेंगे, सीधा बना लिया स्टिच, सीधा बना लिया। अब यहाँ से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू कर रहे हैं। तो 2 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, स्टिच हमारा सीधा आएगा। फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। सेकंड रो में पहला फंदा स्किप करेंगे। अब जो फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम उल्टा बना लेते हैं, जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम सीधा बना लेते हैं।
ये तीन फंदे सीधे, तीन उल्टे, ऐसे ही करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बनाते जाएंगे। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ज़रूर बना के ट्राई करना, हर प्रोजेक्ट पे ये सुंदर लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगता है ये, और बनाने में बिल्कुल आसानी से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तीन फंदे उल्टे, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हुई डिज़ाइन की। थर्ड रो पे आते हैं, थर्ड रो हमें फर्स्ट रो की तरह ही बनानी है। पहला फंदा स्किप किया, दो फंदे सीधे, ये देखिए ये तीन फंदे सीधे बन गए, तीन उल्टे तीन सीधे, ऐसे बनाते जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही हम थर्ड रो बनाएंगे। ये भी तीनों सीधे बनाएंगे। थर्ड रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई डिज़ाइन की। फोर्थ रो पे आते हैं, फोर्थ रो हमें सेकंड रो की तरह बनानी है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। फोर्थ रो कंप्लीट हुई डिज़ाइन की। फिफ्थ रो ये देखिए, फोर्थ रो तक हमने बना के कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, सीधा बनाने के बाद जाली बनाएंगे, फिर एक उल्टा एक सीधा, इन दोनों फंदों को निकाल के सीधा करेंगे, फिर पीछे की तरफ से दो का एक बना लेंगे। ये देखिए ऐसे चेन आएगी, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, फिर एक उल्टा एक सीधा लेके आगे की तरफ से हमने दो का एक करना है। ये देखिए फिर जाली, एक फंदा सीधा, फिर से जाली, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के सीधा करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा लेके, फिर पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, फिर आगे की तरफ से, ये देखिए एक उल्टा एक सीधा, आगे की तरफ से दो का एक करेंगे। फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा जाली, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के सीधा करेंगे, फिर पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, फिर उल्टा और सीधा आगे की तरफ से दो का एक। जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, सीधी रो में एस स्टिच हमारा सीधा आएगा। ये देखिए उल्टी रो, पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, जाली वाले फंदे भी उल्टे बनेंगे, ये सीधा नज़र आ रहा है इसे हम सीधा बना लेते हैं, फिर जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, जाली वाला फंदा भी उल्टा बनेगा। ये सीधा नज़र आ रहा है इसे हम सीधा बनाएंगे। सिक्स रो है फ्रेंड्स चल रही हमारी, ध्यान रखिएगा ये सिक्स रो चल रही है। ये सीधा नज़र आ रहा है इसे सीधा बनाएंगे, ये उल्टे नज़र आ रहे हैं, जाली वाला फंदा यहाँ से निकाल के आपने बनाना है उल्टा, तब हमारी जाली बनेगी। सिक्स रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई डिज़ाइन की। सेवन्थ रो पे आ रहे हैं, पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, जाली बनाएंगे, फिर ये देखिए अब क्या करेंगे, पहले फंदे को हमने ऐसे निकालना है, ऐसे सीधा करना है, और अगले ये देखिए आगे वाले,
एक उल्टा एक सीधा, आगे वाले दो फंदे लेने हैं, पीछे की तरफ से हमने तीनों का एक फंदा बना देना है, तो ऐसे आएगा। फिर से जाली बनानी है और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये देखिए। फिर से जाली बनाएंगे, अब क्या करना है, फिर से तीन का एक करना है, इन तीनों का एक करना है, बीच में एक उल्टा है, आगे सीधा है, ये भी सीधा है, तो पहले वाले फंदे को हम सीधा कर लेंगे, फिर आगे वाले दोनों फंदे लेके पीछे की तरफ ले जाएंगे और तीनों का एक फंदा बना देंगे, ये देखिए। तो हमारे पास ऐसे बन के आएगा। फिर से जाली बनाएंगे, तीन फंदे हम उल्टे सीधे बनाएंगे, जाली बनाएंगे, फिर इन तीनों का एक फंदा बनाना है, तो पहले फंदे को सीधा करेंगे, फिर ये उल्टा और ये सीधा, पीछे की तरफ ले जाना है और एक फंदा बनाना है, ये देखिए एक फंदा बनाया। फिर से जाली बनाएंगे और ये लास्ट वाले दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एस स्टिच सीधी रो में सीधा आएगा। यहाँ पे हमारी 7th रो कंप्लीट हुई। 8th रो, 8th रो में पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, पहला फंदा स्किप कर लेंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बनाएंगे। ये 1 to 8 रो का डिज़ाइन है जो अभी आपको मैंने बना के बताया, 1 to 8 रो का डिज़ाइन है, ये ऐसे बन के आएगा, ये देखिए ऐसे बन के आएगा। अब फिर से हमने आगे 1st रो से शुरू करना है, तो फिर से हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, ये देखिए दो फंदे ये वाले सीधे आएंगे, फिर ये वाले उल्टे फंदे, उल्टे के ऊपर ये तीनों उल्टे आएंगे, ये सीधे हैं तो ये तीनों सीधे आएंगे, ये उल्टे हैं तो इसके ऊपर ये तीनों उल्टे आएंगे, ऐसे ही ये डिज़ाइन चलता जाएगा। जब आप इसे बड़े प्रोजेक्ट पे बनाने लगोगे तो ये ऐसे बन के आएगा, ये देखिए ऐसे बन के आएगा, सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा, ऐसे बनता जाएगा। 4 रो तो हमने ऐसे ही बनानी है कि तीन सीधे तीन उल्टे, तीन सीधे तीन उल्टे, 4 रो ऐसे ही बनेगी। 5th रो में हमारा डिज़ाइन बनेगा फिर ये वाला जालियों वाला, 6th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, 7th रो, 7th रो में फिर से हमारा डिज़ाइन आएगा, 8th रो पूरी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, इसे ज़रूर बना के ट्राई करना, मैंने पूरा आपको बोल बोल के जैसे बताया वैसे ही बनाना, तो बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।